ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਿਆਂਤਰ ਨਾਲ ਕਢਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਫਿਰ ਡਰੀ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਥ੍ਰੈਟਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਮਾਰਨੀ ਪਊ। दिल्ली के बॉर्डर से किसान अंदोलन लगातार जारी है। इस अंदोलन के विचाले बलबीर सिंह राज्यवाल होरां नूं चंडीगढ़ आना पिया, क्यों आना पिया? वो साडे नाल ने राज्यवाल साहब, चंडीगढ़ क्यों आना पिया? देखो, दिल्ली सरकार ने नैट बंद कर दिता है और हरियाणे दे विच नैट बंद कर दिता है। साडी जिहड़ी असली जो कुछ उत्थे हो रहा है वो लोगों तक नहीं पहुँच रहा, सरकार झूठ परोस रही है। सरकार इस अंदोलन को बदनाम करने वास्ते जिनी गलत इनफॉर्मेशन लोगों को प्रचार कर रही है मीडिया राही, उन्हें असली तस्वीर पेश करने वास्ते इत्थे आके तुहाडे राही लोगों तक गल कहनी पई है। राजवाल साहब, तुसीं कहा कि मीडिया राही गलत तस्वीर पेश की जा रही है, मेरा सवाल है राजवाल साहब, 26 जनवरी तो बाद जिहड़ा सारा एपीसोड होया, तुसीं की सिख्या उस तो? देखो जी, वो तो उहदे च इक गल स्पष्ट हो गई भी सरकार हुण इस अंदोलन को किसी ना किसी षड्यंत्र नाल कढाउणा चाहुंदी है, असीं उहदे चौकस हो गए। तुहानूं इउं नहीं लगदा राजवाल साहब, एक सवाल सत्थां च गूंजदा पिया, हो सकदा तुहानूं मेरा सवाल भी पसंद ना आवे, लोग सवाल करते पे है कि किसान यूनियन जिहड़ियां जथेबंदियां तुहाडियां संयुक्त किसान मोर्चा वो एजेंसियां दे ट्रैप विच फस गई है 26 जनवरी दी परेड नूं लैके, तुहानूं इउं लगदा? नहीं, असीं नहीं फसे, सानूं पहला शंका सी भी कुछ होएगा, जिहड़ा कुछ जिहड़े वीर गए असीं उहनां चों पंधेर साहब नूं ते उहनां दे इक साथी नूं बुला के 25 तारीख नूं 2 घंटे बार बार मिन्नतां कीतियां भी तुसीं इस रस्ते ना जाओ, कन्फ्रंटेशन होएगी, अंदोलन टुटेगा, पर उह नहीं मन्ने। उहनां नूं लगदा सी वी शायद साडे नाल सरकार दी ताकत है, तो उहनां इह सरकार इहदे च कामयाब होगी। कन्फ्रंटेशन तो हुण भी हो रही है राजवाल साहब, जिस तरीके उत्थे पेश किया जा रहा, तुसीं उह कह रहे भी स्थानक लोग नहीं है, शरारती अंसर है, पर कन्फ्रंटेशन तो हुण भी हो रही है, वो तो रुक नहीं रही? नहीं, वो सानूं उहदे उहनें चौकस किया तो असीं पीसफुली उहदा मुकाबला करना शुरू कर दिता। तुसीं किस तरीके नाल मुकाबला करोगे, क्योंकि एक पास तुसीं कह रहे हो कि पुलिस प्रशासन उहनां दे नाल लग्गिया होया है, एक पास दूजे पास तुसीं कह रहे हो कि साडे कोल लोक इन्ने ज़्यादा है, असीं उहनां नूं सांभीए किवें? तुहाडे कोल तां राह ही कोई नहीं हैगा, वो कहिंदे अंदोलन सारा जिहड़े मीडिया तुसीं सवाल खड़ा किया वो मीडिया तो लगातार कह रहा है अंदोलन अब खत्म हुआ, तंबू उखड़ चुके हैं। देखो, वो जो कहिंदे ने कही जाण, पर असलियत यह है भी जदों आके लोगों को प्रवोक करते हैं, जिहड़ा कुछ टकैत साहब ने किया उत्थे भी 2 MLA सी BJP दे अपने वर्करस नूं लैके, उत्थे सारा जोर लोगों को प्रवोक करन ते लग्या रहा और उहनूं टैकल कर गए। इस तरह इधर साढ़े वड्डा कट है, उहदे नालों भी वड्डा कट है, इत्थे जो प्रवोक करनगे इत्थे भी असीं टैकल कर लेंगे, कोई एड्डी दिक्कत नहीं। राजवाल साहब, तुसीं शुरू तो एक गल कह रहे कि असीं पोलीटिकल इंटरस नहीं चाहते, पोलीटिकल इंटरफेरेंस नहीं चाहते गे, पर हुण 26 जनवरी तो बाद पोलीटिकल पार्टियां नूं इह लगन लग पिया कि हुण साडी एंट्री इत्थे सौखी है, तो गाजीपुर बॉर्डर तो उन्होंने शुरुआत कर दी है, हुण इत्थे आके तुहाडियां स्टेजां ते भी बोलणगे? नहीं, उत्थे भी एंट्री नहीं उन्हां दी होई, वो अपने ग्राउंड लभदे उत्थे गए ने, असीं किसी नाल स्टेज शेयर नहीं कीती, ना उत्थे कीती है ना इत्थे करदे। पार्लीमेंट सैशन के विचालों तुहानूं कोई उम्मीद नज़र आ रही है? मैं राष्ट्रपति दे भाषण की गल नहीं कर रहा, मैं ये गल कर रहा जिस तरीके संसद के बाहर भी प्रोटेस्ट उन्होंने किया, अंदरों गलबात तुहाडी करनगे जां सिर्फ तुहानूं लगता कि खाना पूर्ति है जिवें पहलां करदे सी, तुहानूं खाना पूर्ति लगती है जां तुहानूं लगदे आ कि कोई पार्लीमेंटेरियन जिहड़े वो तुहाडे लई सिंसियर हैगे आ? नहीं, कुछ पार्लीमेंटेरियन नहीं, असीं टोटल पार्लीमेंट के जिहड़े मैंबर ने उन्होंने एक गल कही है, चेतावनी दित्ती है, बल्कि सारे किसानों वल्लों भी असीं तुहाडे वल अख रखांगे, किहड़ा की शब्द बोलदा है, किहड़ा किसान दे हक च बोलदा, किहड़ा किसान दे खिलाफ़ बोलदा, जिहड़ा किसान दे खिलाफ़ बोलिया उहदे वास्ते फिर असीं उहनूं उहदा जवाब देण वास्ते कोई फिर फैसला करांगे। राजवाल साहब, जिहड़े NIA दे नोटिस जां होर नोटिस आ रहे आ, जिवें इत्थे छापे पै रहे आ पंजाब हरियाणा दे विच, उस बारे संयुक्त किसान मोर्चे ने कोई एक रणनीति बनाई है भी असीं की करना, जां हजे तुसीं जानकारियां इकट्ठियां करदे हो? नहीं, जानकारियां नहीं, सानूं सारा पता है, इह हुंदा ही हुंदा, अंदोलन चलदे आ तां परचे भी हुंदे ने, NIA दे नोटिस भी हुंदे ने, इह सारा कुछ हुंदा, जे अंदोलन लड़ना तां तां तैयार रहना पऊ सब कासे वास्ते, ते जे गल्लां ही करनियां फिर डरी जाओ, इहनां तों डर के कदे अंदोलन नहीं लड़े जांदे। तुसीं तुहानूं भी नोटिस आए आ? ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਖਤਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰੈਕਟ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਥ੍ਰੈਟਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ ਥ੍ਰੈਟ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੀਲ ਫੇਸ।
रीपील तो अलावा कोई सोच पा रहे हो? राजवाल साहब एक सवाल मेरा एक बड़ा इंपोर्टेंट सवाल है, जदों तुसी अंदर मीटिंगां जांदे सी असी वो सारा कवर करते रहे उत्थे, उदों तुहानू कहिंदे सी रीपील तो अलावा कोई शब्द लभ लियाओ जिहड़ा शब्द विच पा के असी तुहाडी गल मान लईए, उह शब्द नहीं तुहानू मिलिया जां सरकार उह शब्दां दे हेर फेर वे तुहानू फसा रही सी? नहीं, उह नहीं सी, शब्द दी गल नहीं सी। जदों सरकार झूठ बहुत बोलती है, जदों असी पूरी डिस्कस करके क्लॉज बाई क्लॉज डिस्कस करके निकलते सी, लिखी जाते सी आह भी अमेंड करने वाला आह भी हूँ 8-10 अमेंडमेंट्स वो मनते हैं, तो मतलब कल कानून बने 50-50 साल बाद आम तौर पर रूटीन एक्ट जोड़े ने अमेंड किए जाते हैं, जोड़ा कल बनया हाले आया ही नहीं मार्केट लागू होया ही नहीं, तो अजे वो अमेंडमेंट्स की लड़ पैगी, वो कानून किस तरह का ये देखना चाहिए। उन्होंने इनू अपना प्रेस्टीज इशू बनाया, वो कहते हैं जी जिन्या अमेंडमेंट्स करवाया करा लो, पर इनू अमेंडमेंट वास्ते सानू रिपील करन वास्ते ना कहो, क्योंकि उन्हां दा प्रेस्टीज इशू है, उन्होंने होर पाप किए हुए हैं। वो कहते जी लेबर लाज बहुत अमेंड किए ने नवे बनाए ने, फिर लेबर वाले आ जाएंगे, उन्होंने कहा भी फिर सारे पाप एको बारी धो लो गंगा नहा लो, वो नहीं नहाते हूँ। कई बार बंदा जो सौ जाता ना लोड़ होंगी वो जगाउण दी, पानी की बाल्टी सुट देंगे आप, होंगे ना कितने धार्मिक समागम होंगे ने आप सुनते हैं बाबे लिया के पानी की बाल्टी पाते हैं, हूँ इन्हें तो पानी की बाल्टी मारनी पाऊ। एक आखिरी दो सवाल मैं लेना चाहता थोड़े तो, 10वीं मीटिंग के मैं लगता उत्थे वीडियोज़ दिखा रहे थे मंत्री साहब नूं, वीडियोज़ थे? बहुत कुछ दिखाया, ये तो बिना मैं मंत्री जी उन्होंने जो पार्लीमेंट बार बार कहा, मैं 7 पार्लीमेंट क्वेश्चन के जवाब लेके गया सी, उन्होंने कहा भी आ क्वेश्चन है इन्ना नंबर, एस एम पी ने सवाल किया तुसी इहदे जवाब च लिखा एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट, आ क्वेश्चन है फलाने एम पी का इन्ना नंबर है इस तारीख नूं तुसी कहा एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्टेट सब्जेक्ट, 7 क्वेश्चन के जवाब विच इस कानून बनने 1 महीना पहला तक उन्होंने बार बार कहा भी एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्टेट सब्जेक्ट, मैं कहा फिर ये दखल क्यों दिता? मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं आया, कहा होगा कह के मैक्सीम 5 मिनट बैठे मीटिंग छड़ के, मैं फिर आऊँगा आप थोड़ी रेस्ट कर लो आप चाय पी लो, उठ के चला गया। एक राजवाल साहब तुहानू इह लगता कि फैडरल स्ट्रक्चर का मुद्दा जिहड़ा तुसी चकदे पे हो एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट कह के, ये पोलीटल पार्टियां फेल हुई मुद्दा चुकन देवे तुहानू इह लगता? नहीं, यह पोलीटल पार्टियां नू टेकअप करना चाहिए, पर साडी चिंता यह है भी जे असी उन्हां दी अमेंडमेंट्स मान लैंदे आ तां कानून तां रहेगा, असी इह तां एक्सैप्ट कर लिया ना भी एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट उहदे च दखल उन्हां दा बनदा, यह तां मान लिया, असी नहीं चाहुंदे भी इह कानून जे रहेगा कल नू 10 होर आउण, इस करके सानू सहे दी नहीं पहे दी फिक्र है। हुण खेती कानून दा जिक्र नहीं हो रहा राजवाल साहब, सिर्फ हिंसा का जिक्र हो रहा, साजिश का जिक्र हो रहा, शरारती अंसर का जिक्र हो रहा, लाल किले का जो एपीसोड होया उसका जिक्र हो रहा। राजवाल तुम्हें लगता कि एजेंसियां कामयाब हो गई खेती कानून के मुद्दे को तुहाडे तो पासे करने के लीह तो लाने के जनता के प्रचार शुरू हो गया? वक्त जवाब दो, और मैं समझदा जिस तरह सारे देश में उबाल आया 713 चों 700 जिले अंदोलन बहुत तेजी न चल रहा, 713 चों 700 जिले एजिटेशन चल रही है, ये वक्री गल है भी देश का जिदा एडा वड्डा देश है, वह साउथ दी खबरां इत्थे नहीं आउंदियां, इत्थे दी खबरां उत्थे नहीं जांदियां, पर रियलिटी यह है बॉम्बे किड्डा वड्डा इकट्ठ होया असी उत्थे भी गए, असी राजकोट गए उत्थे भी, असी बेंगलौर भी गए, असी हैदराबाद भी गए, असी मणिपुर भी गए, असी पटने भी गए, असी हर स्टेट विच वड्डियां वड्डियां लखां दे इकट्ठ दियां रैलियां हो रही हैं। आ मुजफ्फरनगर च की होया कल, तो ये दसदा भी देश उबल रहा है, सरकार नूं समझना चाहिए। लीडर दबाज तां नहीं हैगे? कोई दबाज नहीं। बहुत धन्यवाद बलबीर सिंह राजेवाल साडे नाल मौजूद सी। बलबीर सिंह राजेवाल ने बड़ा साफ कर दिता है कि लीडरों पर कोई दबाव नहीं हैगा, अंदोलन लंबा चलेगा, सरकार दबाव पा रही है, पर उस दबाव के विचाले कहिंदे आ कि असी अपनी मंग लैके उत्थे डटे रहांगे, लोग उत्थे होर जुट रहे हैं, तो इन सारिया मुद्दों के विचाले सानू यह समझना पवेगा कि दिल्ली के बॉर्डर जी हलचल है उत्थे कहिंदे नैट बंद किया हो, इसलिए सानू चंडीगढ़ आना पाया। कैमरा परसन बलजीत सिंह के नाल KP सिंह जस पंजाबी दे लई चंडीगढ़ तो।